नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। संसद भवन में आज होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। पीएम मोदी के साथ सभी सांसद रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई कार्रवाई। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठा अलगाववादी नेता यासीन मलिक, कहा मेरे खिलाफ दर्ज मामले पर सही से नहीं हो रही जांच। शराब नीति पर घिरी केजरीवाल सरकार, बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुटबंदी को दिया बढ़ावा। 3 साल में दोगुना हुआ ओडिशा का बजट, सीएम पटनायक बोले सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उद्देश्य। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आज लगातार तीसरे दिन सामने आए कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस 1.5 लाख के पार। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, हरिद्वार से कावड़ भरकर ग्वालियर आ रही कावड़ियों को ट्रक ने कुचला, 6 की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप, रेलवे के 4 कर्मचारियों पर आरोप, सभी गिरफ्तार। ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में ऋषि सुनक को लगा झटका, नए सर्वे में आगे निकली लिज ट्रस्ट।